फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं प्रॉपर्टी के बारे में, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, दोनों ही प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है लेटेस्ट, उस जजमेंट के माध्यम से कि इस जजमेंट में क्या था और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के माध्यम से क्या कहा है, फैक्ट क्या था केस का, सारी ही चीजों पे एक एक करके बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए, और देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं, सबसे पहले मुद्दा बताते हैं कि क्या था। फैक्ट यह था कि जो हमारे प्रॉपर्टी होते हैं, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर अपने कमाई के द्वारा अर्जित किया हुआ संपत्ति हो, उस संपत्ति का बिना वसीयत किए हुए यदि किसी के पिता मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो उसके बच्चों में उस संपत्ति को बंटवारा को लेकर आपस में झगड़ा होता था। भाई कहता था कि बहनों को हिस्सा नहीं देंगे, तो बहन ने उस पर केस किया था। उसी पार्टीशन सूट पे मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि केस का टाइटल क्या था। केस का टाइटल था प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। जजमेंट पास हुआ 29 मार्च 2023 को और केस नंबर जो है सिविल अपील नंबर 29/13/29/15/2018। अब इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति थे जिनके 3 संतान थे, एक लड़का और 2 लड़की। अब लड़का कहता था कि जितना जमीन जायदाद है वो मेरा है। चूंकि जो लड़के के पिता थे, बच्चों के जो पिता थे, वो कोई वसीयत बना के विल बना के नहीं गए थे, जिससे कि मामला ये क्लियर होता कि इसमें इसका इतना मिलेगा, इसका इतना मिलेगा। उन्होंने बिना वसीयत के ही स्वर्गवास को हो गए, दुनिया से चल बसे। उसके बाद अब लड़का सारे जमीन पे कब्जा किया हुआ था। अब इसमें बहनें जो थी 2, वो दोनों बहनों मिलके सिविल कोर्ट में जमीन के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर कर दी, पार्टीशन सूट फाइल कर दी। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद सिविल कोर्ट से फैसला आया कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी पूर्वजों का दिया हुआ संपत्ति जो है, 4 पीढ़ियों से जो संपत्ति आ रहा है, यानी मेरे फोर फादर से मेरे ग्रैंडफादर पर, ग्रैंडफादर से मेरे फादर पर, और मेरे फादर से मुझ पर जो प्रॉपर्टी आए, उस प्रॉपर्टी में 26 और जो हमारे पिता के द्वारा खुद की कमाई से संपत्ति खरीदा गया था, उसमें 1/3 का हिस्सा बेटियों को मिलेगा। बेटी ये मुकदमा जो है 1980 में डाली थी। अब उसके बाद इस ऑर्डर से बेटा जो है वो नाराज हो गया और इस ऑर्डर के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दिया। हाई कोर्ट में जब अपील दायर किया, हाई कोर्ट ने के बेंच ने जब देखा इसको, देखने के बाद हाई कोर्ट के बेंच ने इस पे सुनवाई किया। इसी बीच क्या हुआ कि बहन और भाई में सेटलमेंट हो गया। बहन ने बोली कि मैं सारा जमीन दे देती हूं, तुम मुझे 50,000 रुपया दे दो। भाई ने एग्री कर गया, राजी हो गया, और भाई ने 50,000 रुपया दे दिया। बहन ने सारी संपत्ति भाई को दे दी। इधर सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, वो चल ही रहा है। हाई कोर्ट में जो उसने ऑर्डर के खिलाफ डाला अपील,
उसको हाईकोर्ट में चल ही रहा था वो मैटर, और उसी बीच में ये मामला यहाँ पे हुआ कि सेटलमेंट हो गया। इस सेटलमेंट की बेस पे भाई ने फिर एक एप्लीकेशन लगाया कि कंप्रोमाइज डीड माननीय हाईकोर्ट के द्वारा पास कर दिया गया। हाईकोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, इस आधार पर डिसमिस कर दिया कि कंप्रोमाइज डीड इसमें पास नहीं हो सकता है। फिर भाई क्या किया कि कंप्रोमाइज डीड के डिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को जाना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाईकोर्ट ने जो फैसला किया था वो सही निर्णय दिया था, पार्टीशन सूट आपका अभी सिविल कोर्ट में चल ही रहा है, और इस पे सभी लीगल हायर्स का जितने भी उत्तराधिकार हैं उसका साइन नहीं है, वो सारे एनओसी नहीं दिए हैं, तो इसी कारण से कंप्रोमाइज डिक्री पास नहीं हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। तो यहां कहने का मतलब है कि जो सेटलमेंट हुआ था वो सेटलमेंट तो भाई और बहनों के बीच हुआ था, लेकिन और जो लीगल हायर्स थे, चूंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो बच्चा जन्म लेता है जन्म से ही उसका अधिकार हो जाता है, तो और जो उनके बच्चे थे उन सब का तो साइन नहीं था, तो जितने भी लीगल हायर्स थे सभी का साइन होना जरूरी है, सभी का एनओसी जरूरी है, उसके बाद ही आप किसी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बंटवारा करके कंप्रोमाइज डीड कोर्ट के थ्रू ले सकते हैं। जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जजमेंट यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो गूगल से जजमेंट को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। केस का टाइटल, केस नंबर, डेट ऑफ जजमेंट मैंने आपको बता दिया कि केस का टाइटल था प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू एंड अदर्स। डेट ऑफ जजमेंट है 29 मार्च 2023। सिविल अपील नंबर है 29/13/2015/2018। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।